बुलिस रिवर्सल कैंडलस्टिक पार्ट टू के अंदर आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आप चाहे तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पार्ट वन को चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो आज हम जिस बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं उस पैटर्न को आप इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों में यूज कर सकते हो और दोनों के अंदर ये पैटर्न आपको बहुत ही प्रॉफिट देगी। तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी। तो यहाँ पर ये हरामी नाम एक जापानीज नाम है एंड जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इस पैटर्न के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर पहले एक रेड कैंडल होती है और इस रेड कैंडल की बॉडी बहुत ही बड़ी होती है और उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। और जब भी आपको ऐसी पैटर्न मिल जाती है तो आपको इस रेड कैंडल का हाई एंड लो यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस रेड कैंडल के हाई एंड लो के अंदर ये ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी आ जानी चाहिए। तो आपको चार्ट के अंदर बहुत जगह पर ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगी बट आपको यहाँ पर हर जगह पर इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करना है। तो इस पैटर्न को हमें किस जगह पर ट्रेड करना है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जब भी आपको ऐसी पैटर्न मिल जाती है तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि जब भी ऐसी पैटर्न बनती है तो उसके पहले यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए और वो गिरावट यहाँ पर कम से कम 5 कैंडल की तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ एंड वहाँ पर आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है एंड आप इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम चार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर SBIN का डेली का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस पैटर्न को हर जगह पर ट्रेड नहीं करना है, आपको इस पैटर्न को सपोर्ट के पास ट्रेड करना है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल दिख जाती है जिसकी बॉडी यहाँ पर बड़ी है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं रेड कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका हाई मार्क कर दिया है एंड अब इसका हम यहाँ पर लो मार्क कर लेते हैं। तो इस रेड कैंडल के हाई एंड लो के अंदर इस ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म हो जाती है एंड हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक सपोर्ट के पास बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर प्राइस ने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया हुआ है और इसी जगह से प्राइस ने हमें बाउंस बैक दिखा दिया था। तो यहाँ पर प्राइस फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास आ गई है। तो यहाँ पर मैं इस जोन को हटा देता हूँ एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न सपोर्ट के पास बना हुआ है एंड इसके अंदर काफी अच्छी गिरावट भी हुई है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। तो जब इस हरामी पैटर्न का हाई ब्रेक हो जाता है तब हमें वहाँ पर एंट्री ले लेनी है। तो इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस वाली कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होगी और इस पैटर्न के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर आपका टारगेट क्या रहेगा। तो इसके अंदर जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको आपको यहाँ पर टारगेट मान लेना है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है तो इस लेवल तक हमें टारगेट एक्सपेक्ट करना है और इसके अंदर हमें टारगेट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो पार्ट टू के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे पार्ट थ्री के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस।